العزيز الجبار. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ोर न्यूज़ के साथ मैं हूं सुमैया तनवीर। आइए आपको लिए चलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। कहीं बर्फ से ढके पहाड़, कहीं ठंडी हवाओं का राज। मुल्क भर में सर्दी अपने भरपूर जोबन पर। भलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। कलाम में पारा -12, इस्तवार में -10 डिग्री तक गिर गया। मुल्क भर में गैस का बुरान बरकरार। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही क्वेटा में गैस गायब। दीगर शहरों में भी गैस के कम प्रेशर की शिकायत। पंजाब में 37 दिन बाद 12 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन को गैस बहाल। कराची में 6 दिन बाद सीएनजी स्टेशन एक दिन के लिए खुल गए। पीडीएम में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। बिलावल की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज, नून लीग का अदम एतमाद। नून लीग ने बिलावल की अदम एतमाद की तजवीज पर एतराज कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, कौम का कीमती वक्त जाया करने वालों को मुल्क का एहसास नहीं। की बुनियाद 35 साल में ये हो कि 14,000 करोड़ रुपए की चोरी नवाज शरीफ की एक यूके का जज दिखा रहा है, जिसमें से $100 मिलियन की वो कहता है कंफर्म। नवाज शरीफ ने 35 साल में 14,000 करोड़ रुपए की चोरी की। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मज़हबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, करारदाद पाकिस्तान OIC में शामिल, ममालिक के जानिब से पेश की गई। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें www.zornews.tv। देखते रहें ज़ोर न्यूज़।